वैक्सीन की कमी होने के कारण भारत के टीकाकरण की गति काफ़ी धीमी पड़ गई है। ऐसे में बहुत से राज्य हैं जो कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है। साथ में केंद्र और राज्यों के बीच भी वैक्सीन की राजनीतिक खेल खत्म नहीं हो रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता राम कदम द्वारा महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाते हुए कहा गया है कि वैसे तो महाराष्ट्र सरकार के पास वैक्सीन के लिए पैसे नहीं हैं, पर महाराष्ट्र सरकार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अकाउंट के लिए 6 करोड़ खर्च कर सकती है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि वह डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके विभाग के कामों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वे भारी कंपनी को टेंडर भी दे चुके हैं। बता दें कि इस जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए साल 2020 से 2021 तक के लिए 6 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दल यानी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के इस काल में जहां एक तरफ इलाज और वैक्सीन के लिए महाराष्ट्र सरकार पैसों का रोना रो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री के प्रचार प्रसार के लिए 6 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। परंतु सवाल ये खड़ा होना बेहद ही आवश्यक है कि कब तक भारत में कोरोना पर ध्यान देने के बजाय दलों द्वारा राजनीतिक खेल खेले जाएंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।